हेलो केटी क्लास, वेलकम टू योर हिंदी क्लास। आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट व्यंजन जो है छ। उससे पहले हमने किए थे क्वर वाले व्यंजन क ख ग ण, और हम उसके बाद हमने नेक्स्ट किया था च वर्ग मिश्र शुरू किए थे, जिसमें हमने पहला व्यंजन सीखा था च। ठीक है, तो ये है छ। छ छतरी, छ छन्नी, छ छड़ी। और आज देखेंगे हम इसकी फॉर्मेशन। हमारे फॉर्मेशन फाइव लाइंस में, पर हम इसे अपने मिडल की थ्री लाइंस में स्टार्ट करें। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा मेक अ राइट कर्व, नेक्स्ट राइट कर्व, देन अपवर्ड कर्व एंड मेक अ हुक। ओके, नेक्स्ट राइट कर्व, अपवर्ड कर्व, मेक हुक एंड स्मॉल स्टैंडिंग लाइन। नेक्स्ट लास्ट वन, अगेन राइट कर्व, अपवर्ड कर्व, मेक हुक, स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, देन लॉग लाइन। तो क्या सीखा हमने आज? छ। अब हम छ की फॉर्मेशन सीखेंगे वर्कशीट पे। तो सबसे पहले क्या था हमारा? राइट कर्व, अपवर्ड कर्व, मेक अ हुक, स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, देन लॉग लाइन। अगेन अपवर्ड राइट कर्व, अपवर्ड कर्व, मेक अ हुक, स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, देन लॉग लाइन। छ, आपने भी छ इसी तरह बनाना है प्रॉपरली अपनी लाइन्स में। राइट कर्व, अपवर्ड कर्व, मेक अ हुक, स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, देन लॉग लाइन। अब हम क्रेयॉन से इसकी फॉर्मेशन सीखेंगे। सो फर्स्ट था हमारा राइट कर्व, अपवर्ड कर्व, हुक, स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, देन लॉग लाइन। छ, अगेन राइट कर्व, अपवर्ड कर्व, मेक अ हुक, स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, देन लॉग लाइन। वंस अगेन राइट कर्व, अपवर्ड कर्व, मेक अ हुक, स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, देन लॉग लाइन। अब मैं आपको इसकी फॉर्मेशन फिंगर से बताऊंगी। राइट कर्व, अपवर्ड कर्व, मेक अ हुक, स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, देन लॉग लाइन। छ, थैंक यू।